नैनी गांव में यहाँ पर नंदा देवी का मंदिर है। यहाँ से नीचे भी उफराई देवी का मंदिर था और शिव मंदिर भी था यहाँ पे, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। अभी हम नंदा देवी के मंदिर में हैं नैनी गांव में। तक देवी मंदिर में पहुंची मैं थोड़ा लेट आया, तब तक वो मंदिर से ऊपर आ चुके थे। ज़रा मंदिर में आपको दिखा देता हूँ। उफराई देवी मंदिर नैनी, तो गांव का नाम है नैनी और उफराई देवी मंदिर है। करीब से आपको मंदिर दिखा देता हूँ। नीचे शिवालय भी है, खुला है गेट, शिवालय है। नर्मदेश्वराय नमः लिखा हुआ है। तो पहले उफराई देवी का मंदिर देख लेते हैं फिर चलते हैं बालाजी। यहाँ पे हैं बजरंगबली। सबसे पहले जय श्री राम। उफराई देवी मंदिर है यहाँ पे। शटर खुला हुआ है, मंदिर के अंदर की वीडियो तो नहीं दिखानी चाहिए, बाहर से ही देख लीजिए आप। यहाँ पे उफराई देवी मंदिर है और इसके ठीक नीचे शिवालय है। हाँ जी, मंदिर खुला छ, भीतर तौल क्यों बाहर खुला छ? ये बस ये मैं नहीं देख रहा हूँ, मैंने ये घंटी है वो बजाने के, जब आरती वारती होती है तो ये पूरी बस्ती है ये ऑटोमेटिक है। हाँ, मतलब मोटर से चलेगी। हाँ, तो ये भी बजेगा और ये भी बजेगा, घंटी भी बजेगी, सब बजेगी, घंटी वगैरह सारी बजेंगी। ये चीज जो है ना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने आज से पहले कहीं देखा नहीं। ये सब मंदिरों में आ ही रही है। हाँ जी, पहले तो सब मैंने भी जब सर्वप्रथम देखी थी वो बद्रीनाथ जी की मैं देखी थी। अच्छा जी, बस बहुत कमाल की चीज है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने गांव भी मंदिर में कुछ ऐसा ले जा पाऊं। ये बहुत कमाल की चीज थी। अच्छा हुआ यहाँ पे गुरुजी लोग आ गए, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि शटर थोड़ा बंद है ना, तो मैं अंदर आया ही तो ये चीज है मुझे दिखती ही नहीं। चलो, ये भी बड़ी अच्छी बात रहेगी, इसका भी कुछ प्रचार हो रहा है बिल्कुल। और आप अगर देख रहे हो और ऐसी चीज अपने मंदिर में लगवाना चाहते हो तो देख लीजिए, मशीन कहाँ से आती है मुझे तो पता नहीं है, वो सब बता देंगे, ढूंढ लीजिए आप। उफराई देवी बारे में कुछ बता दो आप। मैं तो दरअसल में एक गोदाम आ छे। अच्छा जी, तो मेरे जो सुनी छे बात। हां जी, वे के भी समय में बोल सको ना बोले कि उफराई देवी जो छे पूर्वजों के समय में। हां जी, ये जो छे बैंड हो गई छे कोई लड़की। अच्छा जी, तो वो जो जब डांडा गई तो डांडा माथी बहुत माथी उफराई देवी के नोई उफराई देवी डोंडो जो। हां जी, वो ना उभरा ठांग वो ना। हां जी, तो जब जंगल में गई थी वो तो वहीं से परियों ने उनको हर लिया था अपने साथ, भगवती में भगवती के रूप में आ गई थी वो जी। ठीक, तो फिर उनको अपने माँ बाप का सपने में आई वो कि मैं यहाँ हूँ, आप परेशान ना हो, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं स्वयं भगवती का रूप में धारण कर चुकी हूँ, तो आप लोग जो है मेरा जो है वहाँ पर एक मंदिर बना दीजिए, अपने अपने इलाकों में अपने अपने गाँव में जो है मंदिर कर दीजिए। तो यहाँ नैनी में भी है, नोटी में भी है, उधर भी है, तो उफराई देवी जो है जगह जगह, क्योंकि बहुत पहले की बात है वो, तो हमारे गांव में भी है उफराई देवी का। उफराई डांडा चौक बीच मंदिर। हाँ, जो लेकिन और प्राचीन वो है, वो प्राचीन उसमें वो ये इस तरह से नहीं है, आधुनिक नहीं है, प्राचीन पत्थरों से बना हुआ है। मंडोली बनी हुई है और मूर्ति रखी हुई है भगवती के वहाँ पे। Thank you.
तो यहाँ पे अंकल लोग बता रहे थे उफराइन देवी की कहानी। बैनोली गांव से थी कोई लड़की जो ऊपर घास वगैरह लेने या किसी काम से ऊपर जंगलों में गई हुई थी, तो परियों ने उसे हर लिया था। तो स्वप्न में आके उसने अपने माता पिता को बताया कि अब वो देवी का रूप में यहीं स्थापित हो चुकी है। तो फिर यहाँ इस इलाके के बहुत सारे गांवों में उफराइन देवी का मंदिर है। शुद्ध रूप में हम अपर्णा देवी बोलते हैं। पार्वती जी का नाम भी एक अपर्णा है, आप जानते ही होंगे। जब उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी तो सिर्फ सूखे पत्ते खाकर जीवन व्यतीत करती थी तपस्या के समय में, तो उस वक्त उनका नाम अपर्णा पड़ा था। तो ये गांव था नैनी, बढ़िया गांव था। और इसके ऊपर है नौटी, अभी मैं नौटी जाने वाला हूँ कुछ देर बाद। यहाँ पे जगह तो यहाँ की बहुत अच्छी हैं, जिस तरह भी मैं देखता हूँ मुझे अच्छा ही दिखाई देता है। अभी अंकल लोग मिल गए थे तो मंदिर खोलकर ज़रा अंदर बैठ गए थे, अगर ये लोग नहीं मिलते तो मैं बाहर से ही वापस आ जाता। तो अंकल लोगों ने मंदिर के अंदर दिखाया, तो वो था ना वो मोटर से चलने वाला घंटी, जो ढोल वगैरह जो एक साथ बजता है मोटर से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूँगा कि मैं अपने गाँव के लिए भी उसे खरीद पाऊँ। ऐसी चीज़ें मैंने पहली बार देखी, शायद बद्रीनाथ वगैरह में ही बजता होगा, मैंने ध्यान दिया नहीं है। नज़ारे, कल से मैं आपको नज़ारे ही नज़ारे दिखा रहा हूँ। अब आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये देखिए क्या बताएं, इतना खूबसूरत जगह है कि मैं यही देखता रहता हूँ ऊपर आके यहाँ गाँव में।
नैनी से निकलने के बाद कर्णप्रयाग नौटी मोटर मार्ग पर कोटली गांव बीच में पड़ता है, तो कोटली गांव में थोड़ी देर भ्रमण करेंगे, उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे। शायद बीच में एक गांव और है, उसके बाद नौटी जाएंगे। से ऊपर की तरफ आ गया हूँ, कोटली नाम की जगह है, थोड़ा सा ऊपर है सड़क पे, मिला हुआ है नैनी से ही मिला हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, कोटली बोल रहे हैं यहाँ को। उफराई देवी का मंदिर है यहाँ पे छोटा सा, और मेरे पीछे कितना शानदार इलाका है, बैनोली वाला हिस्सा है जो पीछे दिख रहा है, और मेरे ठीक नीचे यहाँ पे नैनी है, और पीछे जाऊँगा तो नंदासैन है। तो अभी कुछ घर बचे हैं यहाँ पे कोटली में, तो वहाँ पे देवी दर्शन के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं, फिर चलेंगे हम आगे। मैठाणा नाम की जगह है शायद, कुछ मकान है बीच में, शायद मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ, उसके आगे है नोटी, तो चलते हुए आपको वो भी दिखाते हुए चलेंगे। आदि बद्री वाला हिस्सा मेरे ठीक सामने, नदी के पार सामने नैनी इंटर कॉलेज, जो इंटर कॉलेज दिखाता हूँ मैं आपको, नैनी बहुत अच्छी जगह पर है, ये देख रहे हो खेतों के बीच में, हरे भरे खेतों के बीच में, क्या बढ़िया है, ये है नैनी इंटर कॉलेज। जगहें यहाँ बहुत अच्छी हैं, मैं जहाँ भी गया था शाम का नज़ारा बहुत अच्छा है। धन्यवाद धन्यवाद आप सबको, आदमी वीडियो देखना, आप स्वागत करनु बैठिया या विदाई करनु बैठिया, स्वागत वापल ठीक से सागर रावत, ये विदाई के लिए बैठे हैं यहाँ पे, अभी थोड़ी देवी आने वाली है, नौटी के उस साइड से आएंगे स्वागत के लिए। नौटी पहुँचने से पहले ही बारिश शुरू हो गई है,
मुझे लगता है भीग के जाएंगे। नौटी वाले तो पहुंच चुके हैं देवी के स्वागत के लिए यहाँ पे, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि स्वागत अब भीगने के साथ ही होगा यहाँ पे। मठियाणा और नौटी करीब साथ साथ ही हैं, ये अभी देवी मठियाणा में है। तो जहाँ पे आज रात नौटी में रुकने वाले हैं वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जगह है जहाँ पर देवी आज रात को रुकने वाली। झालर वगैरह लड़ी वगैरह बहुत अच्छे से लगाई गई है, रात को अच्छा दिखेगा। अभी तो लड़ी आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि रंग भी सफेद ही है लड़ी का ना। कदर सुकुनो काम के मुझे यू क्या पता भाई, हम उल तो दोहरे चलते हैं बात क्यों दी मिशन है। भाई साहब को गधे सुखाने का काम दिया हुआ था, भाई साहब गधे छोड़ के सड़क में चले गए। यू ब्लॉग मत डालो ये बेटे, ये डिलीट के दे दे मार खोलो बैंक जी। कल क्या आ रहे वो कल सुसु के हुए हैं, मैं मजाक कर रहा था। ये जो कल वीडियो में आप इसे देख रहे थे ये है इनकी बकायदा यहां पे पुराने। भाई पहली बार तुम्हारी और अंदर जब भी कौन सो हां कि पादान चो मत रन बाकी को रन में नोली खोलो न सुन ले प्लीज श्याणा खलब। आप जानकारी सुन लीजिए रवि नौटियाल जी से। इस खले का नाम है श्याणा खला, श्याणा माने पदान में। आज आप हमारे पूर्वजों के मकान में पधारे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रात की वीडियो मैं यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा, मैं अभी वापस जा रहा हूँ, मेरे को सुबह तक वीडियो अपलोड करनी है। और ये मठाणा में बहुत लेट हो चुके हैं तो मुझे लगता है नहीं है कि ये वक्त पे पहुँच पाएंगे, क्योंकि नंदा देवी मंदिर में जाना है और नीचे शिवालय भी है, शिवालय में भी जाना है। नीचे मार्केट वाले हिस्से से तो मैं आपको पूरा नौटी साफ साफ दिखा नहीं पा रहा था, यहाँ से नौटी बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखो कल जो वहाँ वो टावर लगा हुआ है ना उस साइड, वो जुड़कंडे, कल वहाँ उस तरफ गया था मैं, सामने एक जुड़कंडे गांव था। और ये है नौटी जो आप मेरे ठीक यहाँ पे सामने देख रहे हो। और यहाँ बीच गांव में यहाँ पे आज देवी रहेगी, इसी गांव में कोने पे यहाँ पे नंदा देवी का मंदिर है और शिवालय है दूसरे कोने में जो निचली तरफ है। अभी मुझे लगता है कि पहुँचने वाले हैं नौटी में, तो चलते हैं यहाँ से अब नौटी के लिए। सामने तो नौटी से काफ़ी अच्छा दिखता है, ये चौरासेण वाली सड़क है और काफ़ी ऊंचाई पे है ये। मैंने नौटी दिखाना था ऊपर से टॉप व्यू नौटी का, तो वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह से नौटी दिख पाएगा।